साथियों, आज मेरे दूसरे ब्लॉग में मेरे चैनल पर आप सभी साथियों, सहयोगियों, मेरे शुभचिंतकों का हार्दिक स्वागत है। आज जूड़ शीतल के पर्व के अवसर पर अपने गांव गए, वहां पर ग्रामीण परिवेश में पुराने रीति रिवाज के साथ पूजा किए। उसके बाद गांव में महत्वपूर्ण स्थान ब्रह्म स्थान में जाकर गांव के ब्रह्मस्थान से भी आपको रूप दर्शन कराता हूं, और वहां से आने पर जो तुलसी पूजन होता है जो एक महीना तक उसमें लगातार जल दिया जाता है। और यहां ब्रह्मस्थान में परिसर में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है, आप सभी को दिखाता हूं। वहां पर दर्शन करने से जो मन में जो बेचैनी रहता है, शांत देखने के बाद मन शांत पूर्वक चित्त हो जाता है, ताकि नया जो कुछ काम में रुकावट हो उसका आगे से कैसे किया जाए वो चिंतन करने का समय मिलता है। बहुत सुंदर वातावरण रहता है। आप सभी को भी हमारे ब्रह्मस्थान का दर्शन कराता हूँ। यही है ब्रह्मस्थान, बहुत सदियों से ये स्थान प्रसिद्ध है, और यहाँ का वातावरण आसपास एकदम शांतिमय। तालाब है, हरा भरा वृक्ष है, वहाँ पे आराम करने से शांति मन हो जाता है, चित्त हो जाता है पूरा। उसके बाद हम लोग वहाँ कुछ रुके और फिर वापसी घर आ गए। आज ही के दिन नए फसल से तैयार से बड़ी दही सबका होता है, और हमारे यहाँ परंपरा है जो आज का बना के कल बासी, उस प्रात में शीतला माता शीतला का पूजा होता है, जो उस दिन चूल्हा सबको शांत किया जाता है, उस दिन खाना पीना नहीं बनता है। और रास्ते वापसी के क्रम में बाज़ार में देखे, जो सब बाज़ार लगा था उसमें हम लोग कुछ सब्जी का मार्केटिंग किए और अपने वापसी आवास में हम लोग आ गए। और ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोगियों साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। और फिर हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं।